ग्वालियर में निगम चुनाव से पहले भूमि पूजन को लेकर विवाद हो गया। दरअसल ग्वालियर पूर्व विधायक के वार्ड 29 में सड़क का भूमि पूजन कार्यक्रम था। यहां बीजेपी नेता और दर्जा प्राप्त मंत्री मुन्ना लाल गोयल अवलोकन करने वाले थे। इससे पहले कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने भूमि पूजन कर दिया। इस दौरान विधायक को महल गांव के कुछ लोगों ने रोका, साथ ही कांग्रेस विधायक के साथ अभद्रता भी की। आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस विधायक को जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में एसपी से शिकायत कर दी गई है। जिन लोगों ने हंगामा किया वो बीजेपी नेता मुन्ना लाल गोयल के समर्थक बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा में कांग्रेस के सतीश सिकरवार ने बीजेपी के मुन्ना लाल को हराया था। उस भूमि पूजन करने के बाद जब भूमि पूजन समापन हो गया तो कुछ असामाजिक तत्व आए, वहाँ गुंडागर्दी करने लगे, मेरे गनमैन के साथ धक्का मुक्की करी, उसकी कारवां छुड़ाने का प्रयास किया, जान से मारने की धमकी दी, कहने लगे 250 आदमी का हमारा परिवार है, हम जान से मार देंगे इधर आए तो। तमाम तरह की बातें करने लगे। लेकिन मेरा कहना साफ है, सतीश सिकरवार जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, इसमें जो भी मेरे को परेशान करने की कोशिश करेगा मैं उसका प्रतिरोध करूँगा, और अगर इस जनता की सेवा में करते में मेरे प्राण भी जाएं तो मैं उसकी चिंता नहीं करता। तो ये आपने पूरा मामला उनके द्वारा जाना, और भूमि पूजन के दौरान यहां पर हंगामा हुआ था, कुछ लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को धमकी भी यहां पर दी गई, और बीजेपी नेता मुन्ना लाल गोयल के समर्थक ये बताए जा रहे हैं। चुनाव से पहले दोनों ही नेताओं ने पार्टी बदली थी और अब गंभीर आरोप यहां पर एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला पुलिस में भी पहुंच गया है। आपको बता दें कि ग्वालियर में नगर निगम से पहले भूमि पूजन को लेकर विवाद हो गया। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के वार्ड 29 में सड़क का भूमि पूजन कार्यक्रम था। यहां बीजेपी नेता और दर्जा प्राप्त मंत्री मुन्ना लाल गोयल अवलोकन करने वाले थे। इससे पहले कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने भूमि पूजन कर दिया। इस दौरान विधायक को महल गांव के कुछ लोगों ने रोका, साथ ही कांग्रेस विधायक के साथ अभद्रता भी यहां पर की गई। तो ये फिलहाल स्थिति है, और अब पुलिस देखना है कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन श्रेय लेने की होड़ अक्सर नेताओं में रहती है, और इस स्तर तक भी राजनीति चली जाती है कि जो काम एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए, जब विकास के कार्य होते हैं तो कम से कम उसमें सभी नेताओं को एक साथ रहना चाहिए, लेकिन उसमें भी श्रेय लेने की होड़ रहती है। सड़क का भूमि पूजन होना था लेकिन उसमें श्रेय लेने की एक तरीके से होड़ थी। विनोद शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद, दोनों दिग्गज नेता हैं, और क्या विवाद अब इनके बीच है और पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए मैं बता दूं, ग्वालियर पूर्व विधानसभा से विधायक हैं कांग्रेस के सतीश सिंह सिकरवार, और इस विधानसभा में जब से सतीश विधायक बने हैं तब से लगातार भूमि पूजन और शिलान्यास को लेकर दोनों ही नेताओं में तनातनी रही है। चूंकि मुन्नालाल गोयल पहले यहीं से विधायक थे, बाद में जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए तो चुनाव हार गए, और वर्तमान में वो दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश शासन में। तो ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र में सतीश सिकरवार सड़क का एक भूमि पूजन करने गए थे। वहां कुछ लोगों ने विधायक का विरोध किया, नारेबाजी की, और सतीश सिकरवार को भूमि पूजन करने से रोका। चूंकि ये बताया जा रहा है कि वो समर्थक मुन्नालाल गोयल के हैं, हालांकि वहां पर मुन्नालाल गोयल तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जो जिस तरह की तनाव की स्थिति बनी, काफी देर तक वहां लोगों में विवाद होता रहा, विधायक के पीएसओ को लगा कि विधायक को खतरा हो सकता है तो वहां से वो निकल गए, और विधायक के पीएसओ ने ग्वालियर एसपी को शिकायत दर्ज कराई है। शुक्रिया आपका विनोद जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।